इसे इत्तफाक कहें या मोदी का भरोसा कि देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के हाथ में 3 दिनों तक देश की कमान रही। जी हाँ, कुछ ऐसा ही संयोग बना हिंदुस्तान में जब देश के पीएम मोदी और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ही विदेश यात्रा पर थे। ऐसे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर रही। दरअसल राजनाथ सिंह चीन के अपने 6 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर 18 नवंबर को रवाना हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया और सिंगापुर की 4 दिन की विजिट पर 21 नवंबर को गए थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक मोदी और राजनाथ सिंह जिन 3 दिन विदेश में थे उस दौरान सुषमा स्वराज सरकार की इंचार्ज थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 3 दिनों तक सुषमा स्वराज इंचार्ज रही और किसी भी आपात स्थिति में फैसला लेने के लिए उन्हें पूरे अधिकार दिए गए थे। यही नहीं, इस संबंध में नियमों के मुताबिक सभी संबंधित मिनिस्ट्रीज को सर्कुलर भी जारी किया गया था। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद यह पहला मौका था कि जब वह और राजनाथ सिंह दोनों ही एक ही समय विदेश यात्रा पर थे और सुषमा स्वराज को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि राजनाथ सिंह कई मौकों पर इंचार्ज रहे हैं क्योंकि पिछले 18 महीनों में पीएम मोदी ने कई विदेश यात्राएं की हैं। दरअसल सरकार में वरीयता का फैसला कई चीजों के अलावा मंत्रियों की शपथ लेने के क्रम के आधार पर भी किया जाता है। 26 मई 2014 को राजनाथ सिंह ने पीएम के बाद शपथ ली थी और इसके तुरंत बाद सुषमा स्वराज ने शपथ ली थी और इस बात को लेकर मीडिया में लंबी बहस भी चली थी कि आखिर एनडीए गवर्नमेंट में नंबर 2 पर कौन होगा।